रहमतुल्लाहि व बरकातहू आप देख रहे हैं खबरों की दुनिया यूट्यूब चैनल और मैं हूं ग़ुलाम नबी मद्दीन आज 18 जनवरी 2023 है और आज दिन है बुध का इस वीडियो के अंदर फलस्तीन से इसराइल से ताज़ा तरीन खबरें हैं अपडेट्स और मालूम हैं वो आपके सामने रखने जा रहे हैं नसर क्या इस वक्त इसराइल के अंदर कटर किस्म की यहूदियों की हकूमत कायम हो चुकी है इसराइल के अंदर जो नई हुकूमत है नैतन याहू की इस हकूमत को फलस्तनी मुसलमान दजजाली हकूमत कहते हैं दत जाल के साथियों की हकूमत कहते हैं न सिर्फ है फ़लस्तीन के अंदर मुसलमान इस हकूमत के खिलाफ हैं बल्कि इसराइल के अपने यहूदी भी अपनी ही मुल्की हकूमत के खिलाफ हैं नाचर काम पचहत्तर साल में पहली मरतबा हो रहा है कि काबज़ काबूनी हकूमत अपने ही लोगों की मुखालफत का सामना कर रही है नासम इस वक्त अस्सी से पचासी फीसद इसराइल के यहूदी हैं जो नैतन याहू की हकूमत के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं मुख्तलिफ अंदाज में उनका एहतजाज जारी है यहाँ तक कि नाजीन कराम अब ख़बरें आ रही हैं कि सिविल नाफरमानी का भी ऐलान कर दिया गया है और यहूदियों ने कहा है कि हम इस हकूमत को नहीं मानते हैं ये कैसी हकूमत है जो हमारी ही दुश्मन है और हमारे खिलाफ ऐसे कवानीन लागू करना चाहती है ज़बरदस्ती हमारे ऊपर जो रिस्ट्रिक्शन है वो लगाना चाहती है जिससे हमारी ज़िंदियाँ हमारी आज़ादी मुतासर होगी लिहाजा हम इस हुकूमत को नहीं मानते हैं चुनाच नाजुन कराम जो इस वक्त मुख्तलिफ तरह की जो रिपोर्ट्स हैं इसराइल के अखबार के अंदर नशर हो रही हैं और इसराइली मीडिया और इंटरनेशनल मीडिया पर आ रही है वो मैं आपके सामने रखने लगा हूँ ये मेरे सामने नाजून कराम इस वक्त यूशलम पोस्ट की यह रिपोर्ट मौजूद है जो आज अठारह जनवरी को यरूशलम पोस्ट की वेबसाइट पर नशर हुई है जिसके अंदर ये बताया गया है कि तिलबीब रेस्टोरेंट रिमूव कोशर सर्टिफिकेट इन प्रोटेस्ट अगेंस्ट न्यू गवर्नमेंट जो तिलबीब के अंदर जो जिसराइल का सबसे बड़ा शहर है दारुल दारुलकूमत है तिलबीब वहाँ पर जो रेस्टोरेंट हैं जो होटल्स हैं उन्होंने जो कोशर सर्टिफिकेट हैं उनको एहताजन हटा दिए हैं अपने होटल्स और रेस्टोरेंट से आप जानते हैं यहूदियों के हम उनका एक नज़रिया है कि जब तक कोशर फूड नहीं होंगे यानी जो हलाल फूड नहीं होंगे तब तक वो उस होटल से खाना नहीं खाते हैं तो बायदा सर्टिफिकेट लिए जाते हैं रेस्टोरेंट की जानब से कि हमारे यहाँ जो खाने होते हैं वो कोशर हैं तो चूँकि इस वक्त इसराइल के अंदर नैतन याहू की हुकूमत में अल्ट्रा आर्थोडॉक्स यहूदी हैं जो नाजिन कराम इसराइल के अंदर जो लिबरल और सेकुलर यहूदी हैं उन पर ज़बरदस्ती इकदाम नाफज कर रहे हैं तो इस हवाले से नाजिन कराम ये बताया जा रहा है कि जो अल्ट्रा आर्थोडाक्स यहूदी हैं जो मजहबी कटर किस्म के यहूदी हैं उनके ख़िलाफ़ जो इसराइल की आवाम है उन्होंने अंदाज से प्रोटेस्ट शुरू कर रखे अस्सी हज़ार यहूदियों ने पिछले हफ्ते इसराइल के दारकूमत लबीब में इन्हीं अल्ट्रा आर्थोडाक्स यहूदियों की हकूमत के खिलाफ प्रोटेस्ट किया था और अब नासुर कराम होटल्स के अंदर दुकानों के अंदर और मुख्तलिफ कंपनीों ने मुख्तफ़ यून ने एहतजाज और हड़तालें करने की धमकी दी है कि हम ये हकूमत नहीं मानते हैं जिसके अंदर अल्ट्रा आर्थोडाक्स यहूदी अपने अलावा किसी और को यहूदी मानने को तैयार नहीं है और वह अपने मनपसंद नज़रियात हमारे ऊपर मुसलत करना चाहते हैं ये इसराइल के अंदर ये सूरत हाल चल रही है नाजुन कर और इसी तरह से बाहर से भी यानी जो बैरूनी दुनिया है वहाँ से भी इसराइल की हिमायत मुसलसल कम हो रही है पचहत्तर सालों से इसराइल को शील्ड फ्राहम की जाती रही यूरोप अकवा मुतहदा सलामती कौंसल और इसी तरह से अमरीका की जानब से लेकिन अब नाजून कराम ये शील्ड भी ख़त्म हो रही है आज दुनिया के अंदर यहूदियों के बिलखसूस इसराइल के मजालम की वजह से उनसे नफरत में इजाफा हुआ है अब ये मेरे सामने ताज़ा तरीन रिपोर्ट है यूरूशलम पोस्टी के अंदर नशर हुई है जिसमें इसका यह है कि ओवर नाइन्टी नेशन्स डिमांड इसराइल लिव सेंक्शनस ऑन फलस्त जिसमें कहा गया है कि नबे से ज़ायद मुल्कों ने इसराइल से मुतालबा किए हैं कि फ़लस्तनीों पर जो तुम्हारी पाबंदियाँ हैं उन्हें ख़त्म करो अगर तुम ये पाबंदियाँ ख़त्म नहीं करोगे तो फिर जो इसराइल है इसकी हिमायत और कम होगी और हम तुम्हारे खिलाफ पाबंदियाँ लगाने पर मजबूर हो जाएंगे चनाच नाजीन कराम आगे लिखा गया है कि अमंग दो दैट साइन द टेक्स्ट वर ट्वेंटी फोर आउट ऑफ द ट्वेंटी सेवन यूरोपियन यूनियन नेशन के ये जो नबे मुल्कों ने हिमायत की है अको मतदा के अंदर जो एक करारदादा आई है उसकी उसमें नवे मुल्कों में से सत्ताईस यूरोपीय यूनियन की जो नेशन हैं उनमें से चौबीस शामिल थी यानी चौबीस यूरोपीय यूनियन के ममालिक ने भी इसराइल की फ़लस्तनीों के ख़िलाफ़ पाबंदियों की मजम्मत की है उसे ख़त्म करने का मुतालबा किया है दूसरे लफ्ज़ों में नाजी ने क्राम इसराइल के ख़िलाफ़ अकवा मुतहदा सलामती कौंसिल के अंदर मुसलसल करारदादें बढ़ती जा रही हैं और इस हवाले से बताया जा रहा है कि इसराइल बाहर की दुनिया में अपनी हिमायत मुसलसल खोता जा रहा है जो मगरबी दुनिया है वो ये समझती है कि इसराइल के यहूदी ना सिर्फ़ फ़लस्तीियों को मारते हैं उनकी ज़मीनों पर कब्ज़ा करते हैं बल्कि वो ईसाइयों के चर्चों पर भी कब्ज़ा कर रहे हैं और यूरोप के ईसाइयों के बैतुलमुद्दस योशलम के अंदर ज मुकदस चर्च हैं उनमें दाखिले को भी बैन कर रही हैं लिहाजा हमें इनकी हिमायत से दस्तरदार होना होगा एक और खबर नजी काम आपके सामने रखेंगे खबर ये है कि इसराइल की अमेरिका की कांग्रेस का एक वफद एक डेलीगेशन इसराइल का विजिट कर रहा है अमेरिका की जानब से ये डेलीगेशन आते रहते हैं जो अमेरिकी पार्लियामेंट का जो डेलीगेशन है इसने अपने दौरा इसराइल के दौरान ऐलान किया है कि वो इसराइल की नैतन याहू की हकूमत में शामिल कटर किस्म के जो यहूदी हैं जिनमें बिन गफ़ीर नामी शख्स भी है इसकी हकूमत में वो इस इन के साथ वो मुलाकात नहीं करेंगे और एहतजाजन वन के साथ मुलाकात नहीं करेंगे क्योंकि ये जो बिन गफ़ीर है और इसी तरह से समोतरच नामी एक दूसरा यहूदी है ये बुनियादी तौर पर इंसानी हकूक़ के वॉयेशन कर रहे हैं और ये शदत पसंदी को भड़का रहे हैं तो अमरीका भी इसराइल की हिमायत से एक तरह से दस्परदार होता जा रहा है एक और बड़ी ख़बर आपके सामने रखेंगे नजी कराम इसराइल की दहशत गर्द सहयूनी हकूमत ने फलस्तन के एक फौजी को गोली मारकर कत्ल कर, कर दिए हैं। खबर आ रही है कि अब्दिफ़ाल गरबिया के, अब के अंदर ये मामला पेश आया है बैतुलमक़दस के आसपास जो मगरबी पट्टी है वहाँ पर यह मामला पेश आया है जिसमें इसराइल की काब सूनी फ़ौजों ने एक फ़लस्तनी मुसलमान फौजी को जो फौज के अंदर फौज फौजी खिदमा सर अंजाम दे रहा था उसे कत्ल कर दिया है यह अलखलील शहर के अंदरदिफ़ालगरबिया में मामला पेश आया है जिस पर इंटरनेशनली बड़ी सख्त मजम्मत हुई है और इसराइल के खिलाफ पाबंदियाँ लगाने का मुतालबा किया गया है सासर नसिन कराम रिपोर्ट सामने आ रही है कि इस वक्त बैतुलमक़द से अबदिफ़ालबिया के अंदर अलखलील शहर और बाकी जगहों में काफ़ी हालात कशीदें हैं और फ़लस्तनी मुजाहिदीन और मुसलमानों ने अपनी तलवारें निकाल ली हैं और बंदूकें निकाल ली हैं और उन्होंने कहा है कि हम इसराइल के अंदर दज्जाल के साथियों के साथ लड़ने को तैयार हैं चाहे हमारी जान चली जाए हम अपनी मस्जिद अक्सा पर हमले करने नहीं देंगे मस्जिद अक्सा को गिराने नहीं देंगे काम नाजरिक्राइल के अंदर जो कटहर किस्म की अल्ट्रा आठ यहूदी हुकूमत आई है ये मस्जिद अक्सा को गिराने की मुहिम पर है मस्जिद अक्सा की ऐलानिया तोहन की जा रही है और मुसलमानों को मस्जिद अक्सा से रोका जा रहा है जो नजर एकाम आज की बड़ी खबर यह है कि उर्दन के उर्दन के जो ए, ए, आ, उर्दन के जो ज़िम्मेदार थे सफीर थे उर्दन के जो सफ़ीर थे उनको मस्जिद अक्सा कंपाउंड में दाखिले से रोका गया है जिस पर अमान की जानब से यानी उर्दन की जानब से जो इसराइल का सफ़ीर है उर्दन के अंदर उसको तलब करके सख्त वार्निंग दी गई है प्रोटेस्ट किया गया है कि इस तरह के इकदाम से इसराइल नफरत अंगेजी को और तल्ल को ख़राब कर रहा है साथ नजिक्षम ख़बरें आ रही हैं किहिर के अंदर इसराइल के खिलाफ इसराइल की हालिया जो झ्याती हैं इनके खिलाफ एक बड़ा अजलास हुआ है जिसमें अर्दन के बादशाह किंग अब्दुल्ला और इसी तरह से फलस्तीन के सदर महमूद अब्बास और मिस्र के जो सदर हैं अब्दुलफाससी इनके दरमियान में एक मीटिंग हुई है मुलाकात हुई है और इन तीनों ने इतफाक़ किए हैं कि फ़लस्तन के अंदर जो इसराइल के जारहाना कार्रवाइया हैं अजायम हैं उनके खिलाफ मुतफ़ा तौर पर लाहेमल अख्तियार किया जाएगा काम मस्जिद अक्सर पर हमले तेज़ हो रहे हैं एक मरतबा फिर अरब इसराइल जंग का जो तबल है वो बच चुका है खबरें आ रही हैं कि आने वाले दिनों में हमास और इसराइल के दरमियान शदीद लड़ाइयाँ और झड़पें हो सकती हैं क्योंकि नासुर इक्राम हमास की जानब से इसराइल के दजाल के यहूदियों की दज्जाल के साथियों की जो इकदाम हैं इनकी मजम्मत की गई है जो बिन गफ़ीर नामी यहूदी है वज़ी है उसको कहा गया है कि अगर तुम फलस्तनी मुसलमानों को फांसियाँ दोगे अगर तुम मस्जिद अक्सा की एलानिया बेहरमति करोगे तो उसकी कीमत तुम्हें अदा करना पड़ेगी हमास ने जो इसराइली फ़ौज के कैदी हैं उनकी वीडियोस भी जारी की हैं और उन वीडियोस को जारी करके कहा है कि तुम्हारे कैदी हमारे पास हैं अगर तुम हमारे फ़लस्तनी मुसलमान कैदियों को फांसियाँ दोगे तो हम भी तुम्हारे यहूदी कैदियों को सर आम फांसियाँ दे देंगे उन्हें भी कत्ल कर देंगे जिस पर नैतन याहू ने कहा है कि हम हमास से अपने क़ैदी छुड़ाने के लिए हमला भी कर सकते हैं तो आने वाले दिनों में नासन कर इसराइल और फलस्तीन के दरमियान खून रेस शदीत लड़ाई हो सकती है और फिर जो इसराइल के अंदर बगावत है हंगामे हैं फसादा हैं उससे भी इसराइल बड़े मसाल फेस कर सकते हैं जब तक की ताजा तरीन डेवलपमेंट थी जो आपके सामने रखी गई है मजीद इस तरह की मालूमत और ख़बरों के लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल है खबरों की दुनिया उसे लाजमी फॉलो करें दोस्तों के साथ शेयर कर लें इजाजत दीजिए असल वरहिला